हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते बच्चों एक एक करके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देख दो बच्चों, ध्यान से, काफी इजी है। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। अब देखो टोलुइन का ऑक्सीडेशन, तो ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है बच्चों, हाईली रिएक्टिव। और जो ये आपका पीएच रिंग होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, लेस रिएक्टिव। तो क्या होता है बच्चों यहां पर कि जब भी हम केमिनोफोर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहां पर CH2CH3 लिख दिया, तो यहां पर इसको भी ऑक्सीडाइज करके ये केमिनोफोर के प्रेजेंस में क्या बना लेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। केमिनोफोर के प्रेजेंस में भी क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका बेंजोइक एसिड। या फिर मैं इसके साथ ये भी बोल सकता हूं कि या फिर ये आपका इसके प्रेजेंस में, देखो CH3CH3 इसके प्रेजेंस में भी केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करा के आपका क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका बेंजोइक एसिड। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने पहले भी आपके सॉल्यूशन में डिस्कस किए हुए सारे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसके साथ भी रिएक्शन कराऊंगा टोलुइन के साथ तो भी आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर केमिनोफोर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बना लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका था सिंपल टर्म। ठीक है, अब मैं अगर बात करना चाहूं कि यहां पर क्या एक्चुअली में हो रहा है, तो मिनिमम वन हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट एट बेंजाइलिक पोजिशन पे आपका मिनिमम एक एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर तीन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है। मतलब अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया, देखो यहाँ पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3 thrice अगर मैंने इसका केमिनोफोर के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर अब हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस रिएक्शन। तो देखो ध्यान से समझते हैं बच्चों एक एक करके, रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी के टुवर्ड, देखो यहां पर CH2PH, फिर इसके बाद CH CH3 CH3, नाउ इसके बाद CH2CH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप और यहां पर CH3। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहां पर रिएक्टिविटी यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चल रही है बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन या फिर फ्री रेडिकल। This reactivity is similar to carbocation and free radical. Free radical के reactivity से similar है, तो हम क्या बोल सकते हैं, So we can assume that intermediate of this reaction is कार्बोकेटाइन या फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैंने इसके हिसाब पे बोला ना कि ऐसा हो सकता होगा, ऐसा हम सोच नहीं सकते, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं एक एक करके,
ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूजिंग फिनोमिना, इलेक्ट्रॉन लूजिंग फिनोमिना, ऑक्सीडेशन आपका इलेक्ट्रॉन लूजिंग क्या है बच्चों, प्रोसेस है। जब ये आपका इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस होगा तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एक्टिवेट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ पीएच रिंग। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली में मैंने आपको पहले बताया था कि पीएच रिंग आपका लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन तो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने का फिनोमिना है, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो बेंजीन रिंग को भी एक्टिवेट कर देगा और पीएच रिंग को भी, मतलब बेंजीन रिंग या फिर आपका पीएच रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो क्या होगा ध्यान से समझना, इफ अगर मैंने ऐसे रिएक्शन कराया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो केमेनो-4 के प्रेजेंस में ही कराना है बच्चों सबको, तो यहाँ पर तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कोई भी मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दिया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो क्या होगा बच्चों, केमेनो-4 के प्रेजेंस में जब भी मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्विनोन बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर मैं इसके साथ अगर मैंने ये भी लगा दिया, देखो NH2 के साथ अगर मैंने केमेनो-4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्विनोन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दिया तो आपका प्रोडक्ट कुछ और होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, इफ अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कांट अकर, ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कैन नॉट अकर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में कराया, देखो जैसे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है NO2 लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रोसेस आपका केमेनो-4 ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं करेगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से बच्चों, Na3 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर NO2 लगा दिया, या फिर यहाँ पर Na3 लगा दिया, ये भी आपका ग्रुप लगा दिया, तो भी आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये आपका तो पहला रिएक्शन था। ठीक है बच्चों, ये प्रिपरेशन मेथड का, हम अभी प्रिपरेशन मेथड सीख रहे हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड का पहला रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, दूसरा रिएक्शन आप लोग जानते हो बच्चों। देखो दूसरे रिएक्शन में क्या करेंगे बच्चों, अगर मैंने CN का हाइड्रोलाइसिस कराया, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, फिर से कई बार रिपीट हो चुका है, आप तो बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए। CN का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, COOH। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रिएक्शन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दिया, देखो CCl3 की रिएक्शन अगर मैंने एक्सिस KOH में करा दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन OH ग्रुप आ जाएंगे, तीन आपके OH ग्रुप आ जाएंगे, और ये आपका अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने से तुरंत ये आपका H2O को एलिमिनेट कर देगा और यहाँ पर आपका क्या बना लेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी मेथड हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन के लिए, तो देखते हैं बच्चों एक एक करके। फोर्थ, अगर मैंने इसकी रिएक्शन ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड MgBr की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ करा दिया, क्या बच्चों CO2 के साथ करा दिया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा O-MgBr। नाउ फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। नाउ
अब हम चलते बच्चों इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, देखना, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका काफी हाई होता है। नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो सबसे पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर मैंने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, अगर मैंने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ हीट कर दूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले अगर मैंने NaOH के साथ हीट कर दिया तो यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा O माइनस H, O माइनस Na, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये आपका बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते ही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बेंजीन में H2O मॉलिक्यूल के साथ, और साथ में आपका Na2CO3 बन जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये सिमिलर आपका कौन से रिएक्शन है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, मतलब CO2 ग्रुप को बाहर निकाल दिया। यहाँ से आपका वैसे तो निकलेगा CO2, ठीक है, CO2 निकलेगा, लेकिन CO2 आपके Na के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा रिएक्शन था। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा हुंस डीकर रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सिमोनिनी रिएक्शन भी बताया था इसमें। तो हुंस डीकर रिएक्शन में भी आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर COOH अगर आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, फिर आपका किसके साथ, फर्स्ट सेकेंड NH4NO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, थर्ड आपका यहाँ पर Br2 और H2O के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर आपका CCl4 के साथ, तो आपका क्या बना देगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका वो अराइल हेलाइड बना लेता है, ठीक है, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर AgBr, ठीक है, एज अ प्रिसिपिटेट आपका निकल जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा बच्चों इसका, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को देख सकते हैं बच्चों, और भी रिएक्शन है बच्चों, थोड़ा सा इस तरीके से आपको रिएक्शन को ध्यान रखना चाहिए, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, मैंने बता चुका हूँ आपके, मतलब एल्काइल एल्काइल बेंजोइक एसिड में, एल्काइल मतलब एल्काइल एसिड में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट रिएक्शन। देखो जैसे अगर मैंने इसकी रिएक्शन टू मोल की रिएक्शन, अगर मैंने टू मोल ले लेता हूँ, टू मोल की रिएक्शन अगर मैं P2O5 के साथ हीट करके गर्म करूँ तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एनहाइड्राइड कंपाउंड बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, किस तरीके से बताया था, आई होप कि आप लोगों को ध्यान होगा। देखो कैसे बताया था, एनहाइड्राइड बन जाएगा, देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर देखो ये रिएक्शन आपका कुछ ऐसा होगा, ये आपका दो मोल होगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने काफी रिएक्शन पढ़ ली है, तो अब आप लोगों को रिएक्शन समझने में काफी दिक्कत नहीं होगी, दोनों ये जुड़ के आपका ऐसा बना लेगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम एक और रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं, फोर्थ रिएक्शन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन CaOH के होल टू आइस के साथ करा दिया तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से कोई कंपाउंड बना लेगा बच्चों। ये रिएक्शन अब आपने इतनी बार पढ़ चुके हो बच्चों कि आप लोगों को अब समझ में आने लग गया होगा। तो ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बेंजोफिन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है, अराइल वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि यह आपका क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बस इतना ध्यान रखो, और यह आपका क्रिस्टलाइन होता है, और ध्यान रखना यह आपका कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा, लेकिन आपका हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है बच्चों, ठीक है। अब इसका यूज भाई बच्चों, इसका यूज आपका मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, एज वेल एज मेडिसिन इंडस्ट्री, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी आपका इसका यूज होता है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन को पढ़ लिया। एक और रिएक्शन हम बोल सकते हैं बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन।
जो कि मैंने आपको बताया था। अब इसको बार बार बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो बच्चों, ये आपका मेटा डायरेक्टिव होता है। जब ये आपका मेटा डायरेक्टिव होगा, जब मैं इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ कराऊंगा, तो आपका कहाँ जुड़ जाएगा जाके बच्चों? ये आपका यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, NO2 पे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीनेशन कराना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अगर मैं बेंजोइक एसिड का क्लोरीनेशन कराना चाहूंगा Cl2FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये आपका मेटा डायरेक्टिव होने की वजह से कहाँ जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा बच्चों? इस पॉइंट पर आपका जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा। और अगर मैंने सल्फोनेशन कराना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रेशन। लिख देता हूँ बच्चों, आपको याद हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, नाइट्रेशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन, ठीक है? क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा बच्चों? खुद बोलिए बच्चों, आप लोगों को अब आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन ओलियम के साथ, ओलियम ले लिया या फिर मैंने फ्यूमिंग H2SO4 मैंने ले लिया, तो इसके साथ जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेटा पोजीशन पे आपका कौन जाके जुड़ जाएगा? SO3H और यहाँ पर COOH। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शन को देख लिया है बच्चों। काफी रिएक्शन है, आपको अब रिपीट हो गई होगी बच्चों, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो वैसे तो हम अभी एक लेक्चर आगे है बच्चों, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम अभी एक लेक्चर आगे चल रहे हैं। तो एक लेक्चर आगे चल रहे, तो इसका मतलब हम आगे अब है ना टेस्ट से रिलेटेड, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम अब टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड में, ठीक है? तो अभी फिलहाल आपको रिएक्शनों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।